हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट अलार्म इन पोको C31। पोको C31 में आप अलार्म कैसे लगा पाएंगे, अलार्म कैसे सेट करना है, मल्टीपल अलार्म कैसे सेट करना है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको जाना है एक एप्लीकेशन जो है क्लॉक पर क्लिक कर देना है। क्लॉक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है, ये अलार्म 6 बजे का मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसे। फिर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आप 5 बजे का कर सकते हैं। तो 5 कर दिया, डन कर दिया। तो ये 5 बजे का अलार्म लग चुका है। नेक्स्ट ये 7 बजे का, इसे 6 बजे का लगा लेते हैं, या फिर और भी जल्दी लगा सकते हैं आप, इसे 3 बजे का भी लगा सकते हैं। तो अभी इसे 6 बजे का लगा लेते हैं। ओके, डन कर देना है। अब एक अलार्म लगाते हैं शाम के 4 बजे का। तो शाम के 4 बजे को 4 बज गए और PM कर देना है, डन कर देना है। तो शाम के 4 बजे का अलार्म लग चुका है। अब यहाँ से आपको अलार्म की सेटिंग कैसे करनी है गाइस, यहाँ पर जैसे अलार्म है, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसे रिंगटोन को चेंज कर पाएंगे, अगर रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ से आपको रिपीटेड, अगर आप चाहते हैं केवल संडे के संडे या फिर डेली, तो यहाँ पर डेली कर देना है। और यहाँ से अगर केवल वंस, केवल एक बार बजाना चाहते हैं इस अलार्म को, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।